जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। मछली मेरा खाना थी। ये तुमने कैसे किया? ये हम ही है ना? हाँ, पर कैसे? एक मिनट, मैं इतना मोटा तो नहीं हूँ। जरा बचकर। घबराओ मत बघीरा, ये तो बस एक ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर ये चीज ठीक नहीं है। सिर्फ इंसान ही ऐसी पानी की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, तो छुटकारा पाने में ही भलाई है मोगली। पानी की पत्ती? हटो भी। जरा ध्यान से, ये टूट भी सकती है। ओ मोगली, तुम्हें देखकर दिल का बल्ब जल जाता है, अकेले में तो और खुशी होती है। शेरखान, बदमाश, तुमने मेरी नींद खराब की है। इसके बदले कोई अच्छी खबर देनी होगी। अरे अच्छे से भी अच्छी है। मोगली के पास एक खास चीज है, एक जादुई चीज, और एक नहीं दो है, शायद तीन नहीं चार पांच। बकवास बंद करो और बताओ किस चीज की बात कर रहे हो तुम। वो ऐसी चीज है जो और इंसानी बच्चे बना रही है, और कुछ दिनों बाद तुम्हें और इंसानी बच्चों से निपटना होगा, इसीलिए जल्दी करो वरना तुम। ये तो अच्छी खबर है, बहुत भूख लगी है मुझे, और इस भूख में एक दो इंसानी बच्चे आराम से पचा लूंगा। थोड़ा ऊपर और ऊपर, ये बात। ओए, वो मेरी है। मुझे वापस करो इसी वक्त। ये चीज कहीं आफत न बन जाए। मैंने तुमसे कहा था उस चीज से दूर रहना, पता नहीं कितनी खतरनाक होगी वो। कभी तो दिमाग लगाया करो मोगली। ये बात माशा से कहो बलू, अभी वो मेरे पास नहीं उसके पास है। तुम्हारे पास एक चीज है जो मेरी है माशा। माशा को पता नहीं था कि ये खास चीज इंसानी बच्चे की है। फेंकना मत, मारो नहीं।
एक बार मेरे हाथ आ जाओ फिर देखना मैं। रुक जाओ मोगली, इस पानी की पत्ती की किसी को जरूरत नहीं। शराफत से वो मुझे दे दो माशा। मैं माशा से पूछती हूँ, क्या लगता है मुझे ये चीज इंसानी बच्चे को वापस कर देनी चाहिए? ओ, देखो ना माशा मना कर रही है और मैं भी। हम दोनों की बात मानी जाएगी, दफा हो जाओ। ओ, अच्छा, मुझे लगा तुम पहले ही हार मान रही हो, और वैसे भी वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है माशा। बताओ कौन खूबसूरत है, माशा या फिर वो? वैसे ये माशा भी उस माशा की तरह ही है। माशा सबसे खूबसूरत है। इस पानी की पत्ती को दूर ही रखो, ये सही नहीं लग रही। आज नहीं तो कल कोई न कोई इसे पाना चाहेगा, कोई ऐसा जो माशा से ज्यादा शातिर हो और ज्यादा ताकतवर भी। अच्छा, तो अब तुम चूजों के साथ शिकार पर निकलते हो। बघीरा, कितनी बार समझाऊं कि मेरे रास्ते में मत आ, पर बड़ा जिद्दी है तू। हाँ हूँ। उन्हें ज्यादा दूर मत जाने देना। जा। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये कौन है? भूत, बचाओ, भूत है उनके पास। तुझसे लड़ लड़ के पक चुका हूँ मैं बघीरा। अच्छा, पर मुझे तो रोज मजा आता है। कायर टपाकी, चलो अब वापस चलते हैं। नहीं, पहले मुझे इस पानी की पत्ती को सही जगह छिपाना होगा। मोगली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। उसमें तो दिमाग ही नहीं है, है ना? या ना समझ कह लो। मेरी गुफा के इतने करीब आकर गलती कर दी बरखुरदार, पर अब आ ही गए हो तो मेरे खाने तक रुक ही जा। मतलब वो कायर गीदड़ सच ही कहता था। शेर खान, देखो इन दोनों में से किस मोगली को तुम पहले खाओगे? वो चीज मुझे दे दो। बस बहुत हुआ, इस बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है शेर खान। क्या लगता है मैं एक मोटे आलसी भालू से डर जाऊंगा? नहीं, पर तुम इस पानी की पत्ती की जबरदस्त ताकत का सामना नहीं कर पाओगे। ताकत तो मेरी भी कम नहीं है, कहो तो थोड़ी सी दिखा दो। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। पर इसे वापस देने की क्या जरूरत है? तुमने तो देखा है ना कि कैसे हमने इससे शेर खान को भगा दिया। हमने इसे रखा तो शेर खान इसे पाने के लिए कुछ भी करेगा जिससे हमें खतरा हो सकता है। हाँ,
वैसे हमारे पानी की पत्ती एक काम तो कर गई है। अच्छा, भला कौन सा काम? बाकी का अपना असली चेहरा अच्छे से दिख गया। मुझे नहीं लगता आपसे पहले उसने अपनी सूरत पानी में भी कभी देखी होगी। उस भूत की शक्ल मुझसे मिल रही थी, पर वो मैं नहीं हो सकता। मैं नहीं तो कौन था?